खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर फिल्म आए हैं मौला ते मक्खो। ये फिल्म ईद उल फितर के मौके पर 1411 हिजरी यानी 16 अप्रैल 1991 को पंजाबी जबान में पाकिस्तान में रिलीज की गई थी। ये एक एक्शन टाइप फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था यूनिस मलिक ने, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे जहेद बट। फिल्म की स्टोरी लिखी थी यूनिस मलिक ने, जबकि फिल्म को एडिट किया था अकबर ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी अल सौदिया पिक्चर्स, जबकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे एवर न्यू स्टूडियो लाहौर। फिल्म के मेन रोल में शामिल थे सुल्तान राही, अंजुमन, शहदा मिनी, प्यार के वादे मेरे नाल इश्क करे इंडियन हीरोइना नाल अजमत, गुलाम मयुद्दीन, कॉलेज तो देर हो गई मारे गए, बहार बेगम। आज मेरा पुत्र चूंदा हुंदा ते साडे ते बारूद दी, अल्ताफ खान, ओए असी पुत्र दी मौत दा मातम करा के, अनवर खान, ताहिर शाह, और तारिक शाह शामिल थे। फिल्म को म्यूजिक दिया था वजाहत अतरेन ने, जबकि फिल्म में टोटल 6 गाने रखे गए थे जिन्हें गाया था मलका तरन्नम नूर जहान, अनवर रफी, अजरा जहान और हुमैरा चन्ना ने। अब इस फिल्म के फैक्ट की बात करते हैं। पहली दफ़ा इस फिल्म में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जगह सुल्तान राही और अंजुमन का टकराव दिखाया गया था। इस फिल्म में थलोची जबान का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे सीखने के लिए अंजुमन ने पूरा 1 महीना लगाया था। बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को दबाना मत भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें।